कैसे आप सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ। तो आज जिस पेन का रिव्यू करने वाला हूँ वो है जिनहाओ X159। तो ये अपग्रेड है जिनहाओ 159 से, जो कि पहले मेटल बॉडी आती थी, अब इसे जो है एक्रेलिक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का जो है बनाया गया है। और इसे मॉन्टब्लैंक मास्टर स्ट्रोक 149 फाउंटेन पेन को याद में रखते हुए बनाया गया है, बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। अब चाइनीज़ जो है जानते ही हर चीज़ को कॉपी करते हैं, तो खैर मेरा काम है इस पेन को रिव्यू करना। और इस प्राइस रेंज में जो है ये फाउंटेन पेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको, जो कि जानते हैं ज़्यादातर जो है हमारे इंडियंस जो है जिन मॉन्टब्लैंक मास्टर स्ट्रोक 149 फाउंटेन पेन नहीं खरीद पाएंगे, तो उस जैसा दिखने वाला फाउंटेन पेन अगर आपको अच्छे बजट में चाहिए और अच्छा फाउंटेन पेन भी होना चाहिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो फुली सिगार शेप बॉडी है, फुल ब्लैक पेंट आपको मिलेगा, ब्लैक एक्रेलिक और नाइस क्रोम क्लिप, जिनहाओ X159 की ब्रांडिंग। और यहाँ पे आपको नंबर 8 साइज़ नेम मिलेगा, तो जो रेगुलर जिनहाओ पेन्स आते थे उसमें नंबर 6 साइज़ नेम मिलेगा, और यहाँ पे आपको नंबर 8 साइज़ नेम मिलेगा। तो ये फर्स्ट मॉडल है नंबर 8 साइज़ नेम के साथ, और ये ओनली फाइन निब के साथ अवेलेबल है। तो ये नया मॉडल है, तो हो सकता है आगे जाके ये और भी निब साइज़ के साथ अवेलेबल हो जाए। और इसमें कन्वर्टर भी आता है, जो कि जिनहाओ का कन्वर्टर है, तो काफ़ी अच्छा ये फाउंटेन पेन है, एक वेल मेड फाउंटेन पेन है। मुझे इस फाउंटेन पेन को इस्तेमाल करके काफ़ी मज़ा आया, और बहुत दिनों से मैं इस फाउंटेन पेन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये बहुत ही बेहतरीन फाउंटेन पेन है। इस फाउंटेन पेन में दोस्तों एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको एक अच्छा निब मिलेगा, निब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इस प्राइस रेंज में बाकी सारे फाउंटेन पेन के साथ ये काफ़ी कड़ी टक्कर देता हुआ दिख रहा है। तो एक चाइनीज़ ब्रांड है, उसके हिसाब से जो है काफ़ी हाई क्वालिटी जो है ये प्रोडक्ट आपको जो है प्रोवाइड किया गया है, और बहुत ही सॉलिड बिल्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी टूटने फूटने का डर नहीं है। यहाँ पे आपको क्रैकिंग से बचने के लिए यहाँ पे आपको मेटल बैंड मिल जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे पेन अगर आप ज़ोर से स्कैप करेंगे तो हो सकता है जो है यहाँ पे प्लास्टिक में क्रैकिंग की जो है इशू आ जाती है, जहाँ पे जो है इस तरह का जो है मेटल बैंड नहीं दिया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, एक वेल डिज़ाइन फाउंटेन पेन है, वेल मेड फाउंटेन पेन है। इस फाउंटेन पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ग्रिप दोस्तों, इसके ग्रिप के बारे में कुछ बात करते हैं, तो इसका ग्रिप भले थोड़ा मोटा है बट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थ्रेड्स के बारे में बात करूँ तो थ्रेड जो है बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं, यहाँ पे थ्रेड जो है बिल्कुल ही जो है स्मूथ थ्रेड्स है, और बहुत ही छोटे छोटे जो है यहाँ पे आपको थ्रेड्स मिलेंगे। तो अगर आप इसे यहाँ पकड़ भी लें तो किसी भी तरह की शार्पनेस इरिटेशन जो है आपको जो है महसूस नहीं होगी। निब के बारे में बात किया तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, बहुत ही स्मूथ निब है दोस्तों, फाइन निब के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ निब है, और काफ़ी ज़्यादा इससे लिख के जो है मज़ा आता है, और एक न्यूली डिज़ाइन फीड के साथ आता है, तो एक काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कुछ साइज़ कंपैरिजन, तो यहाँ पे पाकर फ्रंटियर, कैनराइट हेरिटेज, क्लिक एरिस्टोक्रेट, तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ा फाउंटेन पेन है ये है जिनहाओ X159 मेरे कलेक्शन में। और इस प्राइस रेंज में इसके कंपटीटर्स है पायलट का कोनो, जो है इसे 200-300 रुपये ज़्यादा महंगा है, तो वो भी एक अच्छा फाउंटेन पेन ऑप्शन है। पाकर फ्रंटियर भी कभी कभी इसके प्राइस में आ जाता है, 750 से 850 रुपये के जो है आपको मिल जाएगा पाकर फ्रंटियर। और क्लिक और आयन, क्लिक एरिस्टोक्रेट HT, ये सब जो है इसके कंपटीशन में है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है आपको जो है कंपटीशन जो है देता हुआ दिख रहा है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी जो है इस प्राइस रेंज में जितने भी फाउंटेन पेन है उसे एक अच्छा टक्कर देता हुआ ये फाउंटेन पेन दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं कुछ राइटिंग सैंपल की तरफ। अगर आपको मेरे आवाज़ में कुछ बदलाव दिख रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, जो है मुझे बहुत ही ज़ोर से ज़ुकाम हो गया है, आप देख सकते हैं, तो मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम है और इसीलिए जो है मेरे आवाज़ में आपको जो है बदलाव दिख रहा होगा, और जो है बार बार जो है टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो मौसम चेंज हो रहा है इसलिए जो है ज़ुकाम जो है इस मौसम में आम है। तो बहुत देर तक निब जो है खोल के रखने की वजह से इंक फ्लो जो है आ नहीं रहा है, आ गया। थोड़ा सा जूम करते हैं,
स्टील निब है। अगर आपका प्यार बड़ा अगर आपका प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर यहाँ पे मैं गोल्ड निब लिखूँगा। नंबर 8 साइज। इसमें इंक का इस्तेमाल हुआ है पाकर। तो इस पेन में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस मिल रही है। ये पेन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब फाइन निब है तो ज़्यादा वेट भी नहीं है। इसमें आपको एक हल्का सा फीडबैक मिलेगा जो कि एक प्लेजेंट फीडबैक है। आप देख सकते हैं एक मॉडरेटली वेट फाउंटेन पेन है। तो एक अच्छा राइटर है, एक अच्छा इंक फ्लो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ओवरऑल ये फाउंटेन पेन कैसा है, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, ये फाउंटेन पेन एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी फाउंटेन पेन है और इस प्राइस रेंज में ये फाउंटेन पेन वन ऑफ द बेस्ट है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसके साथ जा सकते हैं। ये फाउंटेन पेन में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ये फाउंटेन पेन इस प्राइस रेंज में परफेक्ट है। तो बिना किसी देर के अब हम लोग करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट बताइएगा दोस्तों ये फाउंटेन पेन आपको कैसा लगा। इसका लिंक जो है अमेज़ॉन का लिंक जो है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इसे ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं और वर्थ है, इस मस्ट बाय है, आप इसे ज़रूर खरीदें। तो बिना किसी देर के चलता दोस्तों, मिलोगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।